हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइनर। गाइस इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं पॉलीलाइन के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर आपको ऑटोकैड का पॉलीलाइन के बारे में जानना है डिटेल में तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले जो हमारी ये सीरीज में दो वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी हैं, ट्यूटोरियल नंबर 1 ट्यूटोरियल नंबर 2, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, आई बटन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, से भी बात कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, इसका सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ले सकते हैं पॉलीलाइन को। सेकेंड आप डायरेक्ट PL एंटर करके इसका शॉर्टकट किया है PL एंटर करके ये इसको यूज कर सकते हैं गाइस। लाइन और पॉली लाइन में मेन डिफरेंस क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइन ले लिया, लाइन को आपको एक बना के दिखाता हूँ, पॉली लाइन हो गया। सेकेंड पॉली लाइन ले लिया, पॉली लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया। अब गाइस जब इसका सिलेक्ट करेंगे तो इसके हर एक पार्ट अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, बट इसी की जगह पे अगर इसको सिलेक्ट करते हैं ये पूरा एक साथ ही सिलेक्ट होता है, तो मेन डिफरेंस इसका ये है। और भी इसके कई डिफरेंस हैं, कई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो मैं आपके साथ आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसको आप देख सकते हैं इस तरह से, अभी ये लाइन सिंपल लाइन है, प्लेन लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क है, हाफ विथ है, लेंथ है, अंडू है, विथ है। अब आर्क क्या है, अब यहाँ से सिंपली आर्क के लिए अब हमें यहाँ से ये पहले अभी लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन है। अब यहाँ से अगर आर्क करना है तो राइट क्लिक, आर्क क्लिक, अभी आपका आर्क बन गया स्टार्ट हो गया। अब लाइनिंग में नहीं जाएगा, सीधा करोगे तो सीधा आर्क बन गया, वहाँ पे आर्क बन चुका है। टेढ़ा करोगे तो टेढ़ा आर्क बन जाएगा, ये दिखेगा जहाँ भी। इस कमांड से बाहर आने के लिए स्केप करना पड़ता है, बट इस दोबारा भी अगर इस कमांड को पॉली लाइन को यूज करोगे तो आर्क ही मिलने वाला है। दूसरा गाइस आपको एंगल मिल रहा है, इस आर्क का एंगल कितना रखना है, तो ये गाइस एंगल भी मिल रहा है, एंगल मान लो 45 रखना है, 45 एंटर। अब इसको आपको ये एंगल दिखा रहा है भाई हमारा 45 जा रहा है, लाइन सीधा जा रहा है लेकिन 45 पे देखो किस तरह भी घुमा लो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है सेंटर, और ये हो गया आपका, अब ये सेंटर है। सेंटर क्या है, अब इसका कोई भी सेंटर हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल ये सेंटर मान लिया है। अब यहाँ से आप अपना बिना किसी दुविधा के ये सेंटर पॉइंट मान के यहाँ से आर का पूरा सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब इसकी सेंटर पॉइंट हो गया, क्लोज करना है। अब गाइस ये यहाँ पे आ रहा है लेकिन इसको क्लोज करना है, तो देखो क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्लोज अपने आप यहाँ पे आके पॉइंट पे एंड हो जाएगा, हो गया कितना मस्त क्लोज हुआ अपना वहाँ पे। अगर यहाँ से हमारा लाइन होता तो लाइन सीधा जाके ऐड हो जाता, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सर्कल टाइप बन के इसको क्लोज किया गया है। अब गाइस इसको डिलीट कर देते हैं, नेक्स्ट चीज आपको समझा रहे हैं। आप नेक्स्ट आपका इसमें है लेंथ, अगर डायरेक्टली आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो लेंथ बढ़ा दीजिए, जैसे 5 एंटर किया तो आपका 5 टाइम्स बढ़ गया सीधा। आपका कर्सर किधर भी हो फिर अगर 5 टाइप करेंगे तो देखो इस साइड में चला गया, आप 5 फिर एंटर करेंगे देखो
इस तरह से आप किधर भी जितना भी आप लेंथ ऐड करना चाहते हैं लेंथ ऐड कर सकते हैं। अंडू क्या है गाइस, ये आपका क्लोज हो गया, आर्क हो गया। हाफ विथ क्या है, हाफ विथ सिलेक्ट करते हैं। हाफ विथ मतलब है कि जितना भी आप इस लाइन की मोटाई रखना चाहते हैं उसकी आधा मोटाई इसमें आपको ऐड करनी होती है, यानी एक साइड की। तो हम इसमें वन ऐड करके दिखाते हैं, वन फिल्टर। अब ये लास्ट पॉइंट पूछ रहा है गाइस, यहाँ पे ये देख सकते हैं स्पेस पे एंडिंग हाफ, एंडिंग हाफ विथ भी हम टू रख लेंगे। अब ये देख सकते हैं कितना चौड़ा है, देखो ये यहाँ पे हमारा ये वन है और ये आगे टू है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया। अब जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे ले जाएंगे हमारा ये इतना ही मोटा चलता रहेगा लाइक। अब इससे बाहर आने के लिए गाइस हमें फिर हाफ विथ को चूज करना पड़ेगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो करना पड़ेगा और एंड पॉइंट भी जीरो करना पड़ेगा। अब हमारी ये लाइन नॉर्मल आ गई है, पुनः इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया लेंथ, हो गया अंडू। अंडू क्या है गाइस, अंडू सिलेक्ट करते ही ये बैक करता है। अब जैसे कितने भी पॉइंट ले लिया आपने, बैक जाना है तो अंडू कर दिया, बैक हो गया। डायरेक्ट अगर स्कैप करोगे तो वहीं पे छूट जाएगा, अंडू करने से ये वापस जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका विड्थ। विड्थ और हाइट विड्थ में क्या अंतर है गाइस, ये इसकी जितनी भी चौड़ाई विड्थ चौड़ाई लेनी है आपको, चौड़ाई या लाइन की मोटाई जितनी भी लेनी है वो आपको फुल टाइप करनी पड़ेगी। इसके हाफ के लिए हाफ करनी पड़ती है, इसके लिए फुल करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए देखो आप टाइप करके दिखाते हैं, फुल विड्थ के लिए डब्लू करना पड़ेगा और हाफ के लिए एच एंटर करना पड़ता है शॉर्टकट के लिए गाइस। अब जैसे मुझे फुल विड्थ करनी है तो डब्लू एंटर, डब्लू एंटर हो गया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एंटर हम करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। अब विड्थ हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग में हम जीरो रखते हैं, जीरो एंड पॉइंट टू का रख लेते हैं, जीरो से टू। अब जैसे कोई आपको एरो डिजाइन करना है तो यहाँ से आपने हाफ ले लिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे वो उतना ही जा रहा है लेकिन एरो के लिए हमें चौड़ाई कम चाहिए। अब यहाँ पे फिर हम डब्लू एंटर करेंगे, डब्लू एंटर स्टार्टिंग पॉइंट वन एंटर एंड पॉइंट टू वन एंटर। अब इसको सीधा ले जाके, सीधा ना जाए तो ये हमें ऑन कर लेना है इस एंटर, ठीक है। इससे बाहर निकलने के लिए स्कैप कर दीजिए, एंटर हो गया, बाकी डिलीट मार दो, ठीक है गाइस। अब क्या है कि अब दोबारा अगर हम इसको पुनः ओपन करेंगे तो इतना ही चौड़ाई ओपन होगा। अब इसको अपना नॉर्मल लाने के लिए फिर डब्लू एंटर करना पड़ेगा, तो डब्लू एंटर फर्स्ट पॉइंट जीरो सेकंड पॉइंट जीरो। अब अपना जो लाइन है नॉर्मल लाइन हो गया, तो इस तरह से गाइस इसमें शो करता है। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सारी वीडियो क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नॉट वरी गाइस। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग।